शुरू करते हैं मिश्रण के वो सवाल। आज का आपका जो वीडियो है वो पूरा का पूरा डिपेंड होने वाला है मिश्रण पे, और मिश्रण के उन सवालों को कराऊंगा जिनको हवा बनाया गया है, पेपर में बच्चों को कठिन लगते हैं। आप देखिएगा ऐसे सवालों को आप कैसे चुटकियों में करते हैं, तो ये लिखा है प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है और भाई यहाँ पूछा भी गया है प्रत्येक शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल जो अपने पास है इस वक्त स्क्रीन पर, कह रहा 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया गया। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया, कितनी बार दोहराया गया, 3 बार दोहराया गया, तो पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या, मैं देखते ही बता दूंगा आंसर यह है। पूछे क्यों, देखिए आपको करना क्या है, जितना भी शुद्ध दूध की शुरुआत में मात्रा है आप उसको लिख लीजिए। जैसे 50 लीटर है तो 50 लीटर लिख लिया। अब ये कह रहा था कि 10 लीटर दूध निकाला गया उसकी जगह पानी डाला गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस 50 लीटर से 10 लीटर आप चीज निकाल लेते हैं, 50 लीटर से 10 लीटर चीज निकाल लेते हैं, तो चीज कितना बचेगा, बोले सर 40 बचेगा। ऊपर आप क्या लिख रहे हो, जो चीज बच रही, नीचे आप क्या लिख रहे हो, जो चीज टोटल थी। मैं बोला 0 से 0 काट दीजिए, तो आप बोलोगे 4/5 आ गया सर, कितना आ गया 4/5। अब गौर करना भाई, जितनी बार इस प्रोसेस को दोहराया जाए उतनी पावर रख दो, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3, जैसे यहां पर 3 बार था तो 3 लिख दिया, 4 का क्यूब हो गया 64 और 5 का क्यूब हो गया 125। आपसे पूछा है पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा, तो देखो 125 टोटल में पानी कितना 64, 64 पानी हो गया 125 में, तो बचा हुआ दूध कितना होगा 61, कितना होगा भाई 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था, ठीक है, यानी 5 में से 4 क्या है, दूध है, ये टोटल 5 में से 4 दूध और एक कुछ और रहा होगा नहीं पता है, ठीक है। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया गया, 20 लीटर का मिश्रण है यानी 5 का मान 20 है, तो 1 का मान 4, तो इसका 16 और ये 4। अब क्या हो रहा है, मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया गया, तो जो चीज मिश्रण में मिलाई जाती है वो तो पूरे में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब मैं इसमें भी 5 बढ़ा लेता हूं, इसमें 5 बढ़ेगा, तो अब जो टोटल मिश्रण होगा वो 25 लीटर का होगा, ध्यान से सुनिएगा, और पानी मिला है तो इसमें भी पानी मिल जाएगा, यानी कि 5 लीटर पानी मिलने के बाद ये हो गया 9। तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध में चेंज नहीं है, दूध उतना ही है 16 का 16। अब आपको ये बताना है कि ये 16 जो है 25 का कितने परसेंट है, तो भाई लिखो 16/25 और परसेंट में बदलना है, तो इसका मतलब 25 चौको 100, 16 चौको 64, यानी कि जो दूध होगा वो कुल मिश्रण का कितने परसेंट होगा, 64%। सवाल खत्म, बताइए कोई कठिन था क्या। आइए अगले सवाल पर। 2 बर्तन है ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 है और 3:2 है, यानी पहले बर्तन में अनुपात है 4:5 का और दूसरे बर्तन में ये अनुपात है 3:2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहला मिश्रण की टोटल क्वांटिटी 9 है, दूसरे की टोटल 5 है। अब मैं आपसे यह कहूं कि जो एक एक हिस्सा है, चाहे वो चीनी का ले लो या पानी का ले लो, तो मैं चीनी का ले लेता हूं, या चाहो तो पानी का ले लो, जिसका मन उसका ले लो, ठीक है। मैं चीनी देखता हूं, इसमें 4 है, कितने में से, 9 में से। 4/9 का मतलब क्या होता है, 4/9 का मतलब होता है 44.44%, और यहां पर टोटल इससे 5 में से 3 चीनी है, इसका मतलब 60%। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करना है, आधी चीनी आधा पानी मतलब 50% चीनी होनी चाहिए, तो मैंने यहां लिख दिया 50%। अब एक चीज आपको समझनी है, बहुत ध्यान से देखनी भी है, समझनी और देखनी दोनों। मैंने इसका अंतर लिया तो ये तो 10 आ गया, मैं इसका अंतर लूं तो क्या आना चाहिए, ठीक। अगर इसको थोड़े और दूसरे शब्दों में बोले तो ये 44.44 जो है इसको आप 44 सही 4/9 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 44 सही 4/9। अब जब घटाओगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 5 सही 5/9, 5 सही 5/9, 9 × 45 और 5 50/9, क्या हो गया ये 50/9। 1 0 से 1 0 ये खत्म कर लीजिए, 9 यहां पे दे दीजिए, तो 9 और 5 हो जाएगा अनुपात नए मिश्रण में किसका किसका, आधी चीनी और आधा पानी के लिए अनुपात क्या मिलेगा, 9 और 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भैया बताइए कहां से कठिन है,
लोग कहते हैं ऐसे सवाल कठिन होता है, मिश्रण कठिन है, कठिन है। अरे बिल्कुल नहीं कठिन है, ध्यान से समझना जरूरी होता है। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक। अब देखो सवाल कैसे होता है, आप देखो चुटकी में कैसे इस बजाते इस सवालों को होता है। घोल कितने लीटर का? 30 लीटर का। उसमें नमक कितना? 5% है। लिख दिया 30 में 5% नमक। अब क्या कह रहा है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। मुझे पता नहीं परिणामी घोल कितना है, मैंने कहा एक्स का परिणामी घोल है, लेकिन यह पता है कि उसमें जो नमक की मात्रा होगी वो 3% होगी। मैं परसेंट से परसेंट का काम खत्म कर देता हूं, 3 से इसको काट लेता हूं 10 बार, 10 × 50, यानी हमें यह पता चल गया जो परिणामी मिश्रण है वो 50 लीटर का है। पुराना वाला 30 लीटर, नया वाला 50, 50 में 30 घटाओगे तो 20 लीटर पानी ना मिलेगा। खत्म हो गया सवाल, एक लाइन का। भैया कहां दिक्कत, कौन दिक्कत, लोग इसी को पता नहीं क्या क्या बताते हैं भाई, हमें नहीं पता। हम आपको जो सिखा रहे हैं आप समझो, एक लाइन में सवाल का सही आंसर आएगा गारंटीड। अगला सवाल देखिए, चांदी और एल्यूमिनियम की मिश्र धातुओं को क्रमशः 5, 3 और 9, 7 के अनुपात में मिश्रित किया गया। पी में क्या अनुपात है 5 और 3 का, और क्यू में क्या अनुपात है, क्यू में अनुपात है 7 और 9 का। अब क्या रहा है कि यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा को लिया जाए, तो अगर इनकी मात्रा बराबर करनी है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर जो मात्रा है 5 और 3, 8 है, यहां पर मात्रा 9, 7, 16 है, यही तो है मात्रा। बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का होगा तो इसमें भी 2 का होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 × 10, ये क्या हो जाएगा 3 × 6, ये सेम रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या है, पहले को पहले के साथ जोड़ दो, दूसरे को दूसरे के साथ जो जोड़ दो, गेम ही खत्म हो गया, सवाल ही खत्म। 10 और 7, 17, देखिए 10 और 7, 17, और उधर क्या आ जाएगा 9 और 6, 15, तो अनुपात क्या मिलेगा चांदी का एल्युमिनियम के साथ 7:15। लीजिए भाई सवाल खत्म, कमेंट करके जरूर बताइएगा सब लोग, फटाफट से जरूर कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, और शेयर और लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना, शेयर करना या ना करना, लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि ये कोर्स जो चीजें हैं ना आपको कैसी लगे। अगला सवाल देख लीजिए, आप जरूर बता, इतने ही सवाल हैं जितने आपके मिश्रण के सारे वेरिएशन आ जाएंगे, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन तरीकों का इस्तेमाल करिए, ये तरीके आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। साथ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं अपने पेड कोर्स की अगर बात करूं तो मेरा पेड कोर्स आ चुका है, पेड कोर्स, ठीक, ये पेड कोर्स आपको माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर उसमें रेलवे की कैटेगरी में आपको मेरा पेड कोर्स मिल जाएगा। खास तौर पर ALP एंड टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे बच्चों से मेरा निवेदन होगा कि ये पेड कोर्स आप जरूर ले लो, इसके बाद मैथ के लिए आपको जीवन में किसी भी एग्जाम के लिए किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात कर लेता हूं तो अर्थमेटिक का जो कोर्स है वो 799 का है, और एडवांस का जो कोर्स है वो 699 का, एडवांस का 499 का, ठीक। और अगर आप दोनों को काम्बो के तौर पर लेते हैं तो सिर्फ 1,099 रुपए आपको पेड करने होंगे, और इसमें आपको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो चीजें मिलेंगी, इसमें आपको मैथ की मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन की जो PDF है, जिससे पूरा का पूरा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम फंसा है अभी तक का, वो मिलेगी, जिसकी कीमत अगर आप अकेले इसको लेते हैं तो इसकी कीमत अकेले 99 है, ठीक। उसके साथ साइंस के लगभग लगभग 1,000 क्वेश्चन की जो PDF है, 1,000 क्वेश्चन की जो PDF है, वो भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही में अगर आप अनुराग ANURAG अनुराग 786786, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू।